Hello everyone. Myself Dr. Ravi Agarwal, a neuroclinical psychologist and clinical hypnotherapist. आज मैं आपके सामने फिर एक नया प्रैक्टिकल जो सिक्स सेमेस्टर का है, सेकेंड प्रैक्टिकल दैट वी टर्म्ड इट एज वेल बींग स्केल, जिसको हम शॉर्ट में WBS भी कहते हैं, उसको आज आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। ये एडल्ट के लिए ही यूज किया जा सकता है, यानी कि हम इसको बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉर एडल्ट्स ओनली। देन ये सब प्रैक्टिकल जो है 2011 में पब्लिश किया गया था, डॉक्टर स्वतंत्रता जैन, डॉक्टर BR चौहान और डॉक्टर विजय कुमार, इन तीनों ने मिलकर इस टेस्ट को बनाया था और आजाद पब्लिकेशन ने इसे पब्लिश किया। आजाद पब्लिकेशन, जैसे आपको पता ही है कि आजाद पब्लिकेशन कुछ क्षेत्र में एग्जिस्ट करता है, तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल जो है बनाया था और इसके अंदर उन्होंने बेसिकली वेलबिंग स्केल की, हमारे वेलबिंग के बारे में उन्होंने बात की, जिसके अंदर उन्होंने 24 क्वेश्चंस इन्होंने बनाए और 5-पॉइंट स्केल के ऊपर इस पूरे प्रैक्टिकल को बेस किया। यानी कि 5-पॉइंट स्केल का मतलब कि जिसके 5 ऑप्शंस दे रखी हैं एवरी क्वेश्चन के आगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली एंड ऑलवेज। देयर आर 5 ऑप्शंस जो इसके अंदर इन्होंने आगे बना रखी है। इन 5 ऑप्शन के अंदर उन्होंने ऑप्शन दे रखी है कि आपने सब्जेक्ट को, आपने जब परफॉर्मा दिया तो वो किसी एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करे। इसमें कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती है, सब्जेक्ट ने सिर्फ ये देखना है कि जो उसको अपने ऊपर एप्लीकेबल लगता है उसने उसके ऊपर इसके क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स या साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं उनका काम स्टार्ट होता है, वो ये चेक करते हैं कि सब्जेक्ट ने अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया है तो उस क्लिक करने के अंदर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस के ऊपर स्टार बना हुआ भी नजर आएगा। जैसे यहाँ पे 5th क्वेश्चन पे स्टार है, 8th क्वेश्चन पे है, 10th पे है और टोटल वी हैव 24 क्वेश्चंस। ऐसा क्यों है कि जो इसके ऊपर स्टार बना हुआ है? बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस हैं और कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं। जैसा मैंने पहले आपके प्रैक्टिकल में बताया था, इस वीडियो के नीचे लिंक के अंदर मैं पहले प्रैक्टिकल का लिंक भी डालूंगा, दैट इज कॉपिंग स्टाइल इन्वेंट्री। अगर जिसको नहीं समझ में आए तो वो उसको खोलकर भी चेक कर सकता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस का। वैसे मैं दोबारा से एक बार थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ, पॉजिटिव क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि आई हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं बोलता हूँ कि मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दैट इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन। बट अगर मैं उसमें बोलता हूँ नेवर, इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं काम को करूंगा कैसे, प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाऊंगा। तो नेवर का मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका नहीं है। बट अगर मैं बोलता हूँ ऑलवेज कि आई ऑलवेज हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट मीन आई एम अ नॉर्मल पर्सन, यानी जिस चीज को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ उसके अंदर वो सब्जेक्ट जो है वो हायर टर्म्स के अंदर आता है। तो इसकी स्कोरिंग जो रहती है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि मैक्सिमम स्कोर 5 रहने वाला है और मिनिमम स्कोर 1 रहने वाला है एक क्वेश्चन के अंदर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव क्वेश्चंस कौन से हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन कौन से हैं। अभी जैसे मैंने बताया ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब हुआ माय लाइफ हैड नो क्लियर मीनिंग पर्पस, कि मेरी लाइफ का कोई क्लियर मीनिंग नहीं है। अगर मैं ये बात बोलता हूं ऑलवेज, दैट्स मीन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बट अगर मैं बोलता हूं नेवर कि नहीं भाई मेरी लाइफ का तो बहुत क्लियर मकसद है, मैं क्यों ये बोलूं कि मेरी लाइफ का क्लियर मकसद नहीं है? अगर मैं ये बात नेवर बोलता हूं दैट्स मीन मैं उसको 5 मार्क्स दूं। बट अगर मैं बोलता हूं ऑलवेज आई हैव मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है तो 1 मार्क, यानी दीज आर द नेगेटिव क्वेश्चन। तो नेगेटिव क्वेश्चन के अंदर हमारी स्कोरिंग कैसे चलेगी, 5, 4, 3, 2, 1। और पॉजिटिव क्वेश्चन में हमारी स्कोरिंग जो स्कोरिंग रहेगी दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो लाइक दैट आपके टोटल क्वेश्चन 24 है और 24 क्वेश्चन के अंदर आपका मैक्सिमम स्कोर कितना है, 5 एक क्वेश्चन का, मिनिमम स्कोर 1। यानी कि मैक्सिमम स्कोर अगर मैं 24 क्वेश्चंस का कैलकुलेट करूंगा तो कितना चला गया, 120। तो मैक्सिमम स्कोर जो है इसका 120 चला जाएगा और मिनिमम स्कोर जो है दैट इज 24 रहने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैक्सिमम स्कोर यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय 5
तो मैक्सिमम स्कोर चला गया 120, मिनिमम स्कोर जाएगा 24। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेटा ये बताओ कि इस सब्जेक्ट का स्कोर 12 है, तो आप उसको कैसे किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए सर 24 से नीचे जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर जो सब्जेक्ट गेन करेगा वो 24 से नीचे रहने वाला है, नहीं हो सकता 24 से ऊपर ही रहेगा। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, मैक्सिमम स्कोर से सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन में 5 है और मैक्सिमम स्कोर 120 रहने वाला है। अगर सब्जेक्ट पूछता है बेटा 140 से ऊपर स्कोर है तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर 140 स्कोर ही नहीं आ सकता है। तो ये बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे डायमेंशंस के अंदर भी डिवाइड किया हुआ है। आगे डायमेंशंस क्या है, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, ऑप्टिमिज्म, सेंस ऑफ परसीव्ड कंट्रोल ऑफ सेल्फ इवेंट्स, रिलेटेडनेस, सेंस ऑफ मीनिंग पर्पस इन लाइफ, कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, पर्सनल ग्रोथ एंड मेंटल बैलेंस। ये बेसिकली 8 पैरामीटर्स में इसको आगे डिवाइड किया गया है, और उसके अंदर हर पैरामीटर के अंदर 3-3 क्वेश्चंस इन्होंने और ऐड कर दिए, यानी 1, 9, 17, 2, 10, 18, 3, 11, 19, लाइक दैट आपके अलग अलग कैटेगरीज में इन क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया। आपने क्या करना है, जो स्कोर आपने 1 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, उसको आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है और टोटल लिख देना है। तो लाइक दैट, और इन सबका टोटल और इस पूरे टेस्ट के टोटल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर आपका स्कोर यहाँ पर 84 आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका स्कोर 84 बनना चाहिए। अगर 110 आ रहा है तो यहाँ पर भी स्कोर आपका 110 होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपने इसके अंदर ध्यान रखना है। और इस टेस्ट के अंदर एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि जो इसका स्कोरिंग इन्होंने ऑप्शन दी हुई है, वहां पर इन्होंने ट्विस्ट किया हुआ है, तो उस चीजों का भी आपने ध्यान रखना। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ट्विस्टिंग के अंदर, क्योंकि यहां पर ऑलवेज पहले दिया हुआ है और परफॉर्मेंस में ऑलवेज लास्ट में दिया हुआ था, तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। कहीं अगर आपने यहां से देखकर 5, 4, 3, 2, 1 दे दिया पॉजिटिव क्वेश्चन में, तो आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। इन्होंने यहां पर मैनुअल के अंदर ये गलती की हुई है, या कह सकते हो ट्विस्ट किया हुआ है, कि ऑलवेज इन्होंने पहले दिया है जबकि परफॉर्मेंस में ऑलवेज इन्होंने बाद में दिया। उन्होंने स्टार्टिंग ही नेवर से की है, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली एंड ऑलवेज। तो आपने ऊपर के पॉइंट्स के बेस के ऊपर कैलकुलेशन करनी है कि पॉजिटिव अगर क्वेश्चन है तो स्कोरिंग रहेगी 1, 2, 3, 4, 5, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन यानी स्टार वाले क्वेश्चन जो हैं अगर वो आते हैं तो आपकी स्कोरिंग रहेगी 5, 4, 3, 2, 1। ये बात का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इन्होंने लिखा हुआ है 48, आगे इन्होंने डैश छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, तो आपका स्कोर कहां से स्टार्ट हो सकता है, 24 से, क्योंकि आपका टोटल क्वेश्चन 24 है। अगर एक सब्जेक्ट इस तरीके से क्लिक करता है कि एक क्वेश्चन में उसको 1 मार्क मिले तो मिनिमम स्कोर उसका 24 ही आएगा, तो 24 से 48। अगर एग्जामिनर जितना मर्जी बोले कि स्कोर 12 है, 14 है, तो आपने ध्यान रखना है 12, 14 नहीं आ सकता, मिनिमम स्कोर 24 आएगा। और अगर सब्जेक्ट का 424 टू 48 के बीच में है, दैट इज लो। अगर स्कोर 49 टू 91 के बीच में है, मॉडरेट। और अगर 92 प्लस है, 92 प्लस का मतलब कहां तक जाएगा, 120 तक, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर एक क्वेश्चन में 5 है, टोटल 24 क्वेश्चन है, 120, तो मैक्सिमम स्कोर आपका चला गया 120, तो 92 टू 120 के बीच में आपका स्कोर है हाई। यानी अगर हमने पहले प्रैक्टिकल को देखें उसमें भी क्या था, जितना स्कोर ज्यादा है उतना ही सब्जेक्ट नॉर्मल काउंट किया जाता है उस प्रैक्टिकल के अंदर। सिमिलरली यहां पर भी वही मेथड है, जितना स्कोर उसका ज्यादा है उतना ही वो बेटर है। जितना स्कोर यानी 92 से अगर उसका स्कोर अबव 120 तक रहता है तो हम उसको मान के चलते हैं कि उसका वेलबिंग लेवल जो है वो हाई है, अदरवाइज वेलबिंग लेवल लो है। इसमें एक टेबल इन्होंने और नहीं दिया है, वो टेबल आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 48 टू 24 के बीच में इन्होंने इसको कैलकुलेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हमने खुद बना लिया 24 टू 48। एक छोटा टेबल आप खुद बना सकते हैं, उसके अंदर क्या है कि आपके पास परफॉर्मेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डायमेंशन के अंदर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है लाइक दैट 1, 9, 17, 2, 10, 18, 3, 11, 19, like that, इन्होंने इसको dimensions में apply किया हुआ है, तो आप इसको खुद भी calculate कर सकते हैं। खुद कैसे calculate करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं।
जैसे कि हमने देखा कि पहला वाला जो प्रैक्टिकल था उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, इसमें टोटल हमारे पास 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है और हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। एक कैटेगरी के अंदर 8 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में 3 क्वेश्चन हैं। इसके अंदर हर क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं एक कैटेगरी की, यानी कि 1 कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एक कैटेगरी की बात करता हूं, 8 कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम स्कोर कितना चला गया और मिनिमम स्कोर, ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर मैक्सिमम स्कोर कितना है और मिनिमम स्कोर कितना है, अगर मैक्सिमम स्कोर की बात करूं 3 क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम स्कोर 5 है तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया 15, और मिनिमम स्कोर की बात करूं 1 है तो 3 क्वेश्चन में मिनिमम स्कोर कितना चला गया 3। तो अगर मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं इसके अंदर एक टेबल डिजाइन करता हूं, उस टेबल के अंदर मैं यहां पर लिख लेता हूं लो और यहां पर हम लिख लेते हैं मीडियम और यहां पर हम लिख देते हैं हाई। अगर मेरे को उसको करना है तो मिनिमम स्कोर कितना है आपका 3, यानी 3-2, और टोटल डिफरेंस कितना है 3 और 15 के बीच में 12, और उसको मेरे को डिवाइड करना है कितने कैटेगरी में 3 कैटेगरी में, तो डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इसको करूंगा तो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास। तो 4 को यानी 3 + 4 = 7 अगर है तो लो है, 8-2 उसके अंदर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 11, देन 12-15 अगर आपका स्कोर है तो ये आपका ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका डायमेंशंस का टेबल बन जाएगा, आप इस डायमेंशन के टेबल्स के बेस के ऊपर इसको कवर अप कर सकते हैं। जितने भी आपके 8 डायमेंशंस आई हैं उसके अंदर जो आपका स्कोर है तो उसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि हर कैटेगरी के अंदर सब्जेक्ट ने जो रॉ मटेरियल निकाला है, रॉ डाटा आपने कैलकुलेट किया है, उसका मतलब क्या है। तो हर डायमेंशंस के अंदर आप इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे कि 3-7 के बीच में है अगर उसका स्कोर आता है दैट इज लो, 8-11 के बीच में आता है मीडियम एंड 12-15 के बीच में आता है हाई। और सिमिलरली जो अगर हम टोटल उसकी बात करें तो उसमें मैक्सिमम स्कोर कितना रहता है 120 और मिनिमम के अंदर उसका मैक्सिमम स्कोर कितना रहता है 24। ये है होल टेस्ट के लिए। तो आपको ये दोनों तरीके से कैलकुलेट करना है, यानी कि डायमेंशन वाइज भी ये आपका टेबल हो जाएगा डायमेंशंस के लिए, यानी आपको डायमेंशंस वाइज भी इसको कैलकुलेट करना है और आपने उसको एक होल की तरह भी कैलकुलेट करना है और दोनों के बेस के ऊपर आपने बताना है कि सब्जेक्ट का वेलबींग लेवल कैसा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, आप इसको परफॉर्म करेंगे और अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनते हैं उसको यूज करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल यू विल गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को कैलकुलेट करके बता पाएंगे कि उनका वेलबिंग लेवल कैसा है, कॉपिंग स्टाइल कैसा है, जैसे मैंने पहले प्रैक्टिकल में बताया था। और सिमिलरली मेरे नंबर आपको स्क्रीन के अंदर नजर आ रहे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और सारे प्रैक्टिकल्स को एक बार परफॉर्म कर देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर मेरे से बात कर सकते हैं या मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू।